अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक्निकल फन में खुश आमदीद। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमारे पास अरबिक मोबाइल है, तो इसको क्या है मसला है कि मसला इसका यह है कि ये डेड हुआ है। ये देखें, ऑन नहीं हो रहा है। इसको चार्जर लगाते हैं तो ये कुछ भी शो नहीं करवा रहा है। तो इसको हम ओपन करेंगे और देखेंगे इसका क्या मसला है और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने बैग खोल लेनी है ऐसे। उसके बाद इसकी ये साइडें हैं, दोनों को ऐसे खोल लेना। इसके जो पेच लगे हुए हैं इनको भी खोल लेना है सारे। उसके बाद यहाँ से इसको कवर को उतार लेना है। कवर को उतारने के बाद ये इसके जो है एलसीडी का चेक लगा हुआ है, ये इसके सॉरी ये वाला जो है ये है इसकी बैटरी का, ये एलसीडी का, और ये वाला जो है इसका जो टच का जैक वो लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इनको ही दोबारा रिकनेक्ट करके देखेंगे कि ये तो नहीं हमारे लूज हो गए। और उसके अलावा हम इसकी पहले जो है बैटरी की पावर वो भी चेक करेंगे कि इसकी पावर जो है बैटरी की वो इसको ऑन करने के मुताबिक है या नहीं है, या इसकी बैटरी जो है बिल्कुल लो हुई है। तो उससे भी ये हो सकता है कि आपका मोबाइल जो है वो डेड मोड में ही चला जाए। अब इसकी बैटरी को चेक करते हैं। ये देखिए करंट तो शो करवा रहा है लेकिन तकरीबन 2 पॉइंट है जो शो करवा रहा है। इसको चाहिए 3 पॉइंट से अबव करंट जो है 3.7 से 8 तक या 4 पॉइंट तक करंट मोबाइल को ऑन होने में चाहिए होता है। तो इसको करंट, इसका मतलब है कि इसमें जो है वो कम है करंट जो इसको बैटरी में। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बैटरी को चार्ज करेंगे। आप यूनिवर्सल से चार्ज कर सकते हैं बैटरी को, या आप इसको सप्लाई की मदद से जिसे झटका भी कहते हैं हम वो भी लगा सकते हैं ताकि बैटरी जो है चार्ज हो सके।
मैं इसको झटका लगा रहा हूँ, थोड़ी सी पावर दे रहा हूँ ताकि ये दोस्तों इसको करंट को आपने क्या करना है, इसको करंट को तकरीबन तकरीबन आपने 1 से 1.5 मिनट इसको करंट देना है बैटरी को सप्लाई की मदद से। तो सप्लाई से आपने करंट उतना ही देना है जितना कि बैटरी के चार्जर का करंट होता है दरकार। किसको तकरीबन इसको 4.2 तक आप इसको करंट दे सकते हैं बैटरी को। इससे अबव आपको करंट देंगे तो वो बैटरी बर्दाश्त नहीं करेगी, बैटरी ख़राब भी हो सकती है। आपने माइनस का जो है पॉइंट उस पे माइनस करंट देना है और प्लस पे जो है प्लस का करंट देना है, तभी जाके ये जो है चार्ज होगी, उसके अलावा ये बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर कोई और मसला पेश आए तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अब मैं इसको लगा के देखता हूँ, इसके बैटरी कनेक्टर को, इसको ये मैंने बैटरी कनेक्टर लगा दिया और अब इसको चार्ज लगा के देखते हैं कि थोड़ी देर वेट करते हैं कि शायद ये जो है करंट इसका जो है स्टार्ट हो जाए बैटरी का लेना करंट। ये देखें इसकी जो है लाइट चलना अब स्टार्ट हो गई है, इसकी जो यहाँ पे जो पीली लाइट वो ऑन हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये कुछ देर में इसका डिस्प्ले भी शो हो जाएगा, थोड़ी सी चार्ज करेगा तो ये इसका डिस्प्ले भी शो हो जाएगा। तो दोस्तों यही चीज़ें होती हैं, कोई भी मोबाइल फ़ोन जब डेड होता है तो सबसे पहले यही चीज़ें चेक करनी होती हैं कि आपने उसका सबसे पहले तो चार्जिंग करंट चेक करना होता है, उसके बाद उसकी बैटरी का करंट चेक करना होता है कि बैटरी में उसकी इतना करंट है कि मोबाइल को ऑन कर सकें। अगर नहीं है तो फिर आप उसके मतबादल कोई बैटरी लगा के देख लें, या फिर आप उसको पावर सप्लाई से भी डायरेक्ट करंट दे सकते हैं। उसके बाद आपने देखना होता है उसका पावर बटन, के अगर पावर बटन आपको चार्जर लगाने से करंट शो हो रहा है तो आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी पावर में मसला है। जब आप इसको चार्जर को लगाते हैं, चार्जिंग बैटरी लगा लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे इसका पावर बटन पे आप मल्टीमीटर से करंट चेक करते हैं तो इस पे करंट आपको शो करवाना चाहिए तकरीबन 3 पॉइंट के राउंड पॉइंट करंट चेक करवाना चाहिए प्लस माइनस पे। अगर प्लस माइनस पे वो 3 पॉइंट के राउंड पॉइंट या 2 पॉइंट के ऊपर शो करवाता है तो इसका मतलब है कि वो मोबाइल का जो पावर की है वो ठीक है, वो पावर ले रहा है। अगर वो नहीं शो करवाता, इससे कम शो करवाता है पावर, तो इसका मतलब है कि वो उसका पावर आईसी है या कोई डायोड जो है उसका
जो प्रॉब्लम है वो है उसमें, तो वो आपको ट्रेसना पड़ेगा, तो वो भी आप मल्टीमीटर से इसको चेक कर सकते हैं कैसे चेक करना है।